फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स में आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ मीटिंग्स, मीनिंग ऑफ मीटिंग, डेफिनेशन ऑफ मीटिंग, नीड ऑफ मीटिंग एंड प्रोविजन ऑफ कंडक्टिंग इन मीटिंग। ओके, मीनिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग का मीनिंग क्या है? द वर्ड मीटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीटा विच मीन्स फेस टू फेस। जो वर्ड मीटिंग है ना, डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मीटा से, उसका मतलब है फेस टू फेस। मीटिंग का मतलब ही है फेस टू फेस। जो कंडक्ट करते हैं मीटिंग लोगों के बीच में, ये ऑफिशियल गैदरिंग होता है, असेंबली होता है लोगों के बीच में। ऑफिशियल गैदरिंग जो होता है, डिस्कस करना ऑफिशियल बातें। मिनिमम 2% होने चाहिए जो कोरम होती है। कोरम मतलब लोग जो होते हैं डिस्कस करते हैं ऑफिशियल मैटर्स। यहाँ पे हमें पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप अलग होती है, मेंबरशिप अलग होती है, तो उसके वजह से मीटिंग्स बहुत नेसेसरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर मीटिंग्स नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं पता चलेगी मेंबर्स को। ओनली ये ही बात नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए आज हम करेंगे नीड में क्यों मीटिंग कंडक्ट होती है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए मीटिंग कंडक्ट होती है, जिसके वजह से हमें मीटिंग रखनी पड़ती है। तो उसमें भी मीटिंग में भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो प्रोविजंस में बताया गया है ड्यूली कन्वेड होना चाहिए मीटिंग, मतलब प्रॉपरली पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, प्रॉपरली कंडक्ट होना चाहिए मीटिंग, और उसके बाद प्रॉपरली ड्यूली कन्वेड, प्रॉपरली कन्वेड उसके बाद कंडक्ट भी अच्छे से होना चाहिए। प्रोविजंस में सिर्फ यही 3 पॉइंट है। मेन हमारा मीनिंग है मीटिंग का, डेफिनेशन है और नीड है। मीनिंग मैंने क्या बताया, फेस टू फेस होता है, असेंबली होता है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में होता है, ऑफिशियल गैदरिंग होता है, यहाँ पे मिलके डिसाइड करते हैं डिफरेंट मैटर्स। ओनली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और डायरेक्टर्स के बीच में नहीं, मेंबर और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में नहीं होता है, डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच में और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में होता है। बहुत सारे पर्पसेस के लिए रखा जाता है मीटिंग। अभी डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्यों रखा जाता है वो हम अभी करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखे जाते हैं। मीटिंग इज एन एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर मैटर। मीटिंग जो होती है ना, वो एक्ट है कम टुगेदर, साथ में आने का और डिस्कस करना है मैटर रिलेटेड पर्टिकुलर मैटर से। ओके, तो मीटिंग जो है ना, हम वो देखेंगे कि पर्टिकुलर मैटर्स कौन से हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं मीटिंग से रिलेटेड। मीटिंग क्या होना चाहिए? ऑफिशियल होना चाहिए, गैदरिंग होना चाहिए, मिनिमम 2% होने चाहिए। मीटिंग लैटिन वर्ड मीटा से डिवाइड हुआ है, जिसका मतलब है फेस टू फेस। मिनिमम 2% होनी चाहिए और कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब जो टॉपिक्स वो बोल रहे हैं वही डिस्कस होना चाहिए। और मीटिंग के लिए सेक्रेटरी का बिफोर मीटिंग, विद इन मीटिंग, आफ्टर मीटिंग भी काम बहुत रहता है। विद इन मीटिंग क्या रहता है, क्या डिस्कस होता है वो मिनट बुक में डिस्क्राइब करता है। आफ्टर मीटिंग जो डिसीजन लिया गया फॉलो अप करता है। बिफोर मीटिंग सबको वो इन्फॉर्म करता है। ओके, अभी नीड देखते हैं। नीड टू डिटरमाइन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मीटिंग जो रखते हैं ना, उसमें पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, वो फॉर्म करते हैं। उसके बाद टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने के लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेंबर, अपॉर्चुनिटी मेंबर्स को कुछ प्रोवाइड करनी है, जैसे कि राइट इशू हम स्टोर कर रहे थे, इशू कर रहे थे या बोनस इशू कर रहे थे, तो हम उनको बता रहे थे ना, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हम मीटिंग रख सकते हैं। टू कम टुगेदर टू डिस्क्राइब अबाउट अ वर्किंग, वो भी हो सकता है यहाँ तो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर टू कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ द कंपनी, यहाँ पे बताया गया है। मैंने ये अपनी पॉइंट बताई टू अपॉर्चुनिटीज टू मेंबर, यहाँ पे ऐसे बताया गया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर टू कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट वर्किंग अबाउट द कंपनी, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है मीटिंग में मेंबर्स को कि आओ टुगेदर, आके बैठो और डिस्कस करो कंपनी के वर्किंग के बारे में। ओके, ये 4 पॉइंट्स में क्या बताया गया, प्लान्स डिसाइड करो, प्रोग्राम्स डिसाइड करो, फ्यूचर के प्लान्स डिसाइड करो, पॉलिसीज डिसाइड करो, अपॉर्चुनिटीज दिया गया डिस्कस करो आपस में,
कंपनी की वर्किंग कंडीशन। ओके, फिफ्थ क्या है, टू डिस्कस प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंपनी एंड सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रहा है तो वो भी प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करने के लिए भी मीटिंग रखा जाता है कि ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कंपनी, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, टू टेक डिसीजन अगेंस्ट मेंबर डिफॉल्ट। अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट में है, मतलब उसके शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी डिफॉल्ट के लिए भी डिसीजन लेने के लिए भी मीटिंग रखा जाता है। डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी मीटिंग रखा जाता है। टू अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए भी मीटिंग रखा जाता है। टू रिव्यू प्रोग्रेस मेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने कुछ प्रोग्रेस किया है तो वो प्रोग्रेस भी रिव्यू करने के लिए मीटिंग रखा जाता है। टू कॉम्प्लाई विथ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर कुछ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स आया है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए भी मीटिंग रखा जाता है। टू स्टडी अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब अप्रूवल जो दिया गया है वो सब पढ़ने के लिए, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स का स्टडी करने के लिए भी मीटिंग रखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो पहले मीटिंग हम पॉलिसीज का, प्लान्स का, प्रोग्राम्स का डिस्कस करने के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी गई है मेंबर्स को डिस्कस करने के लिए कंपनी का, उसके लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। कंपनी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। डिफॉल्ट मेंबर है उसके लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स अपॉइंट करने के लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। प्रोग्रेस जो कंपनी मीटिंग कर रही है वो भी मीटिंग रख सकते हैं। और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए भी मीटिंग रख सकते हैं। क्लियर, आपको कोई डाउट हो तो पूछें, आई विल श्योरली आंसर यू। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।